हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने जा रही हूँ हमारे फेवरेट फेस वॉशेज। एक तरफ मेरे पास है हिमालय नीम फेस वॉश और सेकंड में है मेरे पास पतंजलि का नीम तुलसी फेस वॉश। आज हम इन दोनों फेस वॉशेज को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। और फ्रेंड्स, ये दोनों ही फेस वॉशेज हमारे लिए काफी स्पेशल है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जब आपकी स्किन पे पिंपल्स हो तो उस टाइम पे ये दोनों फेस वॉशेज आपको बहुत याद आते हैं। सो इन दोनों में से बेटर कौन है थोड़ा सा चेक करते हैं, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूं पतंजलि के फेस वॉश की, तो इसके इंग्रीडियंट तो दोनों में सेम है, नीम है। इसमें आपको इंग्रीडियंट मिलते हैं नीम, तुलसी एंड एलोवेरा। ये आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, नीम अच्छी है, तुलसी अच्छी है एंड एलोवेरा। लेकिन इस फेस वॉश में आपको दो इंग्रेडिएंट मिलेंगे, नीम एंड टर्मरिक। दोनों ही आपके लिए फेस वॉश के लिए बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही ट्यूब में मुझे मिले हैं और इसकी 150 ml की जो ट्यूब है वो मुझे 150 rupees में पड़ती है। और इस फेस वॉश की 100 ml की जो ट्यूब है वो मुझे मिली है जस्ट 70 rupees में। अगर इसकी टैग लाइन की बात करूं तो बेसिकली ये हमारी ग्लोइंग, स्मूथ, हेल्दी एंड फेयर स्किन के लिए यूज होते हैं। पिंपल्स भी इसमें ठीक होते हैं क्योंकि नीम है इसमें, बट हाँ बेसिकली ये छोटे पिंपल्स के लिए, जब बहुत ज्यादा खराब स्किन ना हो उसके लिए ये बेनिफिशियल है। बेसिकली ये जो प्रॉपरली पिंपल्स आपकी स्किन पे होते हैं तो ये फेस वॉश बहुत ही प्रॉपर वर्क करता है। ये प्यूरिफाई करता है आपकी स्किन टाइप्स को, पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली ये फेस वॉश है। ये आपका कूलिंग इफेक्ट के साथ आता है, इसमें आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। दोनों की कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास है नीम तुलसी फेस वॉश, तो इसकी कंसंट्रेशन की बात करूं तो इट्स नॉट रनिंग। सो मैं इसको अपनी इस टाइप फेस पे, इस साइड पे ले लेती हूँ। सेकेंड बात करूं, मेरे पास ये इसकी छोटी बॉटल है, छोटी ट्यूब है। हिमालय के काफी छोटे छोटे पैक्स भी आ जाते हैं, इतना छोटा पैक आपको नहीं मिलेगा। जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं इतने छोटे फेस पैक 15-10 rupees में आपको नहीं मिलेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इट्स ऑल्सो नॉट रनिंग। सो दोनों ही डेंस फेस वॉश है। मैंने एक तरफ पतंजलि का फेस वॉश लिया और एक तरफ मैंने यूज किया हुआ है हिमालय का फेस वॉश। सो लेट्स चेक रिजल्ट वाइज ये कैसा है। सो फ्रेंड्स, मैं इसको 2 मिनट्स के लिए अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर रही हूँ, देखते हैं कौन सा फेस वॉश ज्यादा बेटर है। जो पतंजलि का फेस वॉश है ये मेरे को काफी माइल्ड लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये क्या बोल सकते हैं उसको, काफी स्मूथ है मेरी स्किन के साथ। बट दिस वन इज लिटिल बिट स्ट्रांग क्योंकि इसको पिंपल्स के ऊपर प्रॉपरली वर्क करना है तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये बेसिकली ये पिंपल्स के लिए नहीं बना, लेकिन हाँ उसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं अच्छे, तो पतंजलि का फेस वॉश आप पिंपल्स पे भी यूज कर सकते हो। और ये मैंने आपको 2 मिनट्स के लिए फेस वॉश को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फेस वॉश करके दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। दोनों ही जेल फेस वॉशेज हैं और दोनों ने ही फॉर्म जो है प्रोड्यूस नहीं करी है, कोई भी फॉर्मिंग फेस वॉश नहीं है। सो लेट्स वॉश इट एंड वॉच इज द रिजल्ट ऑफ दिस फेस वॉशेज। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस वॉश कर लिया है और अगर मैं फेस वॉश की बात करूं, पतंजलि फेस वॉश की बात करूं जो कि मैंने इस साइड यूज किया था, तो यहाँ पे मेरे को स्किन में ग्लो है, स्मूथ है, सिल्की है, जिसके बारे में लिखा गया था ग्लोइंग, स्मूथ, हेल्दी एंड फेयर स्किन। तो वो आप मेरे दोनों फेसेस के डिफरेंस देख सकते हो, वाकई में ये स्किन जो इस तरफ ज्यादा ग्लो कर रही है। सो ग्लो के मामले में अगर जीतने की बात करूं तो पतंजलि फेस वॉश जीत गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ था कि ये ग्लो करवाएगा एंड ऑल दैट। इससे बेसिकली लिखा हुआ था कि पिंपल्स के लिए बहुत बेस्ट है, तो जो मेरे फेस पे पिंपल की वजह से इचिंग हो रही थी वो अभी रिलैक्स है काफी। सो ये मेरे लिए काफी, पिंपल्स के ऊपर ये काफी इफेक्टिव है मुझे लगता है ये फेस वॉश, और ये ग्लो एंड ऑल दैट के लिए काफी अच्छा है। सो अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फेस वॉश अपनी अपनी जगह पे, जितना उन्होंने लिखा हुआ जो चीजें मेंशन करी हुई है दोनों ही उस जगह पे अपने अपने बेस्ट हैं। दोनों ही फेस वॉशेस ने बेस्ट रिजल्ट दिया, मुझे कोई भी ऐसा नहीं बोलूंगी, दोनों के जो था उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। सो मुझे ये दोनों फेस वॉश बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होंगे। आपका जो भी व्यू है इन फेस वॉशेस के लिए वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।